बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की रेसिपी में हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी मतंजन की रेसिपी। मतंजन बनाने के लिए सबसे पहले चूल्हे के ऊपर कढ़ाई रखेंगे। अब इसके अंदर जाएगा 1 कप देसी घी। इसमें डालेंगे 4 छोटी इलायची। साथ इसमें मैं डाल दूंगी ये ड्राई फ्रूट, बादाम, अखरोट, काजू और पिस्ता और गिरी है। इसको मैंने मोटा मोटा काट लिया। इनको मैं 2 मिनट तक फ्राई करूंगी। अब इसमें डालेंगे 1 गिलास दूध। इसमें डालेंगे 3 पाव चीनी। चावल मेरे पास 1.5 किलो है, मैंने उनको बॉयल करके रखा हुआ है। आप चीनी को अच्छी तरह मेल्ट होने देंगे। ये चावलों को मैंने बॉयल करके रखा हुआ था, इसको मैंने बिल्कुल सिंपल पानी में बॉयल किया है। ये इस तरह आप रखेंगे टोकरी में तो इस तरह चावल आपके खिले खिले रहेंगे। चीनी हमारी मेल्ट होगी और ये हमारी चाशनी बनके तैयार है। अब ये सारे इसमें चावल डाल देंगे। चावलों को अच्छी तरह इसमें मिक्स करेंगे। चावलों को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब इसमें जाएंगे ये चमचम और गुलाब जामुन। ये सारे मैंने डाल दिए हैं। अब इसके अंदर जाएगा कलर, ये मेरे पास रेड कलर है, ये इधर डाल देंगे। ये मेरे पास ऑरेंज कलर है, ये भी डाल देंगे। ये मेरे पास ग्रीन कलर है, ये भी डाल देंगे। इसके ऊपर प्लेट दे देंगे, दम पे रखेंगे इसको। 1 मिनट तक मैं फुल आंच पे रखूंगी, बाकी 10 मिनट के लिए मैं इसको बिल्कुल स्लो आंच पे रखूंगी। मतंजन हमारी बनके तैयार है। चूल्हा मैंने नीचे से बंद कर दिया। अब इसका ढक्कन उड़ाएंगे, मिक्स करेंगे। देखिए माशाल्लाह कैसे एक एक दाना खिला खिला। अब इसको हम डिश आउट करेंगे। ये हमारे बहुत ही मज़ेदार सी मतंजन बन के तैयार है। आपने इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।